देखिए, शरणागतों का लक्षण यदि समझना हो तो ब्रज भक्तों के चरित्र का अनुसंधान करना चाहिए। अति सरल बात तो ये है, सैद्धांतिक बात है, गोपियों के चरित्र का चिंतन करो, ग्वाल बालों के चरित्र का चिंतन करो। गोपियों के जैसा जीवन बन जाए, भगवान के सखाओं के जैसा जीवन बन जाए तो समझ लो कि हम शरणागत हो चुके हैं। शरणागत के ये लक्षण हैं, जो हमारे पूज्य आचार्य चरणों के जो असाधारण लक्षण, वही शरणागतों के लक्षण हैं। शरणागत भक्तों की जो चर्या है, वही शरणागत भक्तों के लक्षण हैं। और वैसे ही लक्षण, और लक्षण तो तमाम ग्रंथों में आज आचार्य जी बोल रहे थे, एकादश स्कंद का उदाहरण दे करके कि त्रिभुवन विभव पिकुंठ स्मृति, तीनों लोगों की संपत्ति वैष्णव को शरणागत को दे दी जाए। लक्षण है ये, आप लक्षण पूछ रहे हैं, लक्षण ये है, तीनों लोगों की संपत्ति दे दी जाए और उसको कहा जाए कि ये संपत्ति ले लो, पद ले लो, अधिकार ले लो, तुमको ही त्रिलोकी नाथ बना देते हैं, चलो जाने दो, त्रिभुवन के स्वामी त्रिलोकी नाथ तुम ही बन जाओ। बस एक शर्त है, आधे क्षण के लिए अपने प्राण प्यारे ठाकुर जी को भूल जाओ, वो ठोकर मार दे, पर क्षणार्ध के लिए भी भगवान की विस्मृति जिसको न हो वो शरणागत है। शरणागत का लक्षण सवैष्णव अग्रह, वो वैष्णवों में अग्रगण्य है, श्रेष्ठ है। तो अब देखो, जो द्रप्त प्रपन्न है वो प्रारब्ध नाश का आग्रह नहीं करते, वो कहते नहीं महाराज भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हमारा अपना किया वो हम भोगेंगे, आपको दर्शन देना हो तो ठीक है, नहीं देना हो तो ठीक है, हम आपके हैं इतना हम जानते हैं, आपका स्मरण बनता रहा, हम कुछ नहीं चाहेंगे। पर जो आर्त प्रपन्न हैं उनको भगवान देखते हैं कि अब इनका विरह इतना असह्य हो रहा है, ये हमारे बिना पलार्धव जी नहीं सकते, तो उनके संपूर्ण प्रारब्ध का नाश करके ठाकुर जी उनको हृदय से लगा लेते हैं। अब देखिए, जिस गोपी को उसके पति ने कोठी में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, हो सकता ताला भी लगा लिया हो, कुंजी अपने पास ले ली हो, तो क्या ठिकाना है, बंद कर दिया उसको, निरुद्ध कर दिया। अब उसको अति तीव्र विरह हुआ, दुस्सह प्रेष्ठ विरह, प्रेष्ठ प्रियतम के असह्य विरह में दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा, तीव्र ताप में सारे अशुभ धुल गए। अब संपूर्ण अशुभ की, अब देखिए महाराज जी, संपूर्ण अशुभ में संचित क्रियमाण तो आएगा, प्रारब्ध भी आ गया, प्रारब्ध को आप बचा के रखेंगे तो निशेषता तो नहीं आएगी, तो वो भी नष्ट हो गया। अब संपूर्ण कर्म मात्र का जब क्षय हो गया तो भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष, ध्यान में श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त हुआ, और उस आलिंगन से बड़ा कोई सुख है क्या? पुण्य का नाश सुख से होता है, सुखोपभोग से पुण्य नाश होता है और दुखोपभोग से पाप नाश होता है, तो भगवान के आलिंगन से, भगवान के दर्शन से बड़ा सुख भला हो गई कौन, तो उसके सारे पुण्य भी नष्ट हो गए, और पुण्य पाप से सर्वथा वो विरहित हो गई। तो महाराज जी, और गोपी जो गई थी ना दौड़ के, वो तो पीछे पहुंची, वो सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा में पहुंच गई। ये गोपियों का लक्षण, वो शरणागतों का लक्षण है, प्रपन्नों का लक्षण है, यथा ब्रज गोपी का नाम। शरणागत का लक्षण क्या है, बाबा ने पूछी है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षाष्टक का अंतिम छंद हमारे स्मरण में आ रहा है, बड़ा प्यारा है, पूर्ण शरणागति। आश्लिष्य वा पादरताम, आस
आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमां अदर्शनान् मर्महतां करोत्वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।